तो आज मेरे पास ये पार्सल आया है, तो आप सब देख सकते हैं। तो ये पार्सल आया है गीता प्रेस की तरफ से। तो ये मैंने ऑनलाइन बुक्स मंगवाई हैं कुछ, तो मैंने सोचा आप सबसे शेयर करूं। तो क्या है इसके अंदर, तो बेसिकली मैंने इस साइड पीछे की साइड ना एड्रेस है मेरा, तो मैंने इसे ऐसे रखा है एंड जल्दी की वजह से मैंने यहाँ से थोड़ी खोल दिया है। तो मैं जल्दी बुक्स निकालता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुरा भरा हुआ है, तो ये हैं कुछ ये हैं, कुछ ये हैं और भी है, एक ये वाली है और कुछ और छोटी छोटी बुक्स हैं, एक और है, एक सेकेंड। तो बेसिकली अब ये पार्सल देख सकते हैं आप, खाली हो चुका है बिल्कुल एम्प्टी। तो ये बुक्स आई हैं, तो जिसके अंदर आपको बता दूं थोड़ा, तो ये तो छोटी छोटी हनुमान चालीसा है, ये मुझे पड़ी है 2-2 रुपए की, जैसे कि आप देख सकते हैं। और गीता प्रेस है तो आपको क्वालिटी का तो पता ही है, क्वालिटी कितनी अच्छी होती है। ये हमने स्पेशली दान करने के लिए मंगवाई है, जैसे लोगों को मंदिरों में बांटने के लिए। कुछ सुंदरकांड के बुक्स है जो इच्छुक होंगे उनके लिए मंगवाई, क्योंकि हम हर ट्यूसडे सुंदरकांड वगैरह करते रहते हैं, तो उसके लिए ये बुक्स है। तो ये सुंदरकांड की ये कितनी आई हैं, ये 4 बुक्स आई हैं ये वाली। तो वो ये कि दान करेंगे इनका भी, एंड 2 ऐसी वाली मंगवाई थी, देख सकते हैं आप थोड़ा, कोई नहीं चलते हैं। इस टाइप से आरती है, देन सुंदरकांड है, देन एंड में भी हनुमान चालीसा और आरती होगी। तो ये 2 ये वाली है, 5 वो वाली है, एंड 25 ये छोटी 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 हनुमान चालीसा है सारी की सारी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वाली कितनी छोटी छोटी है, 25 है ये वाली, इन्हें साइड रख देता हूँ। एक ये सुंदरकांड की बुक मंगवाई है, इसके ऊपर शायद मैं अलग से वीडियो बना दूँ क्या है इसके अंदर। तो इसके इसे मंगाने का क्या रीज़न था इतने अलग तरीके से जो है ये, तो आपको मैं बता दूंगा इसके बारे में क्या है इसके अंदर। अच्छी लगी मुझे काफ़ी ज़्यादा ये बुक, बट इसके बारे में बताता हूँ मैं अलग से, एक वीडियो बना दूंगा इस बुक के ऊपर। तो और बेसिकली ये वाली बुक आई है कि पार्वती मंगल, इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में है क्या इसके अंदर थोड़ा सा, तो ये की वीडियो बनेगी। एक ये नित्यकर्म प्रयोग है, ये मैंने पहली बार मंगाई है और मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो इसके अंदर नित्यकर्म से जुड़ी हुई गायत्री जप इत्यादि के बारे में लिखा हुआ है, एक बार इंडेक्स में आपको दिखा दूँ इसका। ये नित्य होम विधि, देव पूजा की संक्षिप्त विधि, बलि विश्व विधि, मतलब ये जो नित्य कर्म करने चाहिए उनके बारे में इसके अंदर लिखा है, डेली बेसिस के कामों के बारे में। एक ये दुर्गा चालीसा मंगाई है, इसकी और इसकी, इन दोनों की एक सेपरेट वीडियो ज़रूर आएगी, तो आप सब ज़रूर देखिएगा कि इस सरल दुर्गा सप्तशती में और इस दुर्गा चालीसा में क्या है। एक ये शिव स्तोत्र रत्नाकर मंगाया है मैंने। शिव स्तोत्र रत्नाकर में क्या है कि इसके अंदर भगवान शिव के कई सारे स्तोत्र लिखे हुए हैं, माता गौरी के और भगवान शंकर के कुछ स्तोत्र है, गौरी से जुड़े हुए, भगवान शिव से जुड़े हुए, मतलब कि सदातर भगवान शिव के ही स्तोत्र है, और भगवान शिव का सहस्र नाम स्तोत्र है, और इसकी स्पेशली शिव के लिए ही बनी है ये वाली बुक। तो इसके अंदर एंड में आरती वगैरह आपको मिलेगी देखने को, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कुछ स्तोत्र है जैसे इसके अंदर एंड में आरती लिखी हुई है, शंकर जी के अलग अलग आरतियाँ होती हैं कई सारी, तो उसके अलावा उसके अंदर कई सारी आरती लिखी हुई है। तो मुझे तो काफ़ी सही लगी ये बुक, आप भी मंगवा सकते हैं। ये इसकी कॉस्ट है 40 रुपये, 40 रुपीस। और एक ये मंगाइए प्रेमी भक्त उद्धव आदर्श चैत्रमाला तृतीय पुष्प, भक्तों के विषय में थी एक बुक, 2 बुक और मंगाई थी, पता नहीं शायद वो कैंसिल हो गई है, पता नहीं क्या रीज़न था, तो वाली बुक आ नहीं पाई। तो उसके अंदर संत तुकाराम और वगैरह भक्तों के विषय में भी था, तो ये भगवान के भक्त के विषय में है एक बुक जो ये वाली है प्रेमी भक्त उद्धव, 8 रुपये की बुक है, तो आप देख ही सकते हैं क्वालिटी वाइज कितनी अच्छी है ये। उसके अलावा कुछ एक ये बुक मंगाई है मैंने, इसके ऊपर शायद मैं वीडियोज़ भी डालूँ अलग से इसकी पार्ट्स की, शक्तिपीठों के बारे में लिखा हुआ है इसके अंदर, शक्तिपीठ दर्शन है, कुछ प्रमुख प्रमुख शक्तिपीठ हैं उनके बारे में डिटेल में दे रखा है, जो वहाँ के रहने वाले भक्तों ने
इसके बारे में लिखा है शक्तिपीठ के बारे में, इसमें शिव आराधना। ये आप सब बाय करिए, मैंने अभी इसे साइट से ही पहले ही निकल गई थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पढ़ लिया। तो इसके इंडेक्स आप देख सकते हैं, भगवान शिव का प्रातः स्मरण स्तोत्र है, 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में है, दो प्रकार से, एक शिव पुराण के अंतर्गत है और एक श्रीमद् शंकराचार्य द्वारा रचित है, और शिव का पंचाक्ष स्तोत्र है, तांडव स्तोत्र है, जो डेली पढ़ने वाली स्तुति है, जो शिव भक्त हैं उनके लिए तो ये अमृत के समान ही है। शिव जी की चालीसा है, शिव चालीसा है, शिव जी का अष्टक है, शिव जी की वंदना है, भजन है एक छोटा सा, और शिव जी की दो आरती, गंगाधर जी की और एक शिव ओंकारा की। तो आप सब देख सकते हैं, ये मुझे बहुत सही लगी। और इसकी कॉस्ट मैं आपको बताऊँ तो इसकी कॉस्ट होगी ज़्यादा की नहीं होगी, ये 8 रुपये। तो यार आप देख ही सकते हैं, तो देखिए कि इतनी थिक है, जो ये वाली बुक है इसके मुकाबले तो थिक ही है काफ़ी ज़्यादा, कि आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो मुझे तो सही लगी, आप सब भी बाय कर सकते हैं इसे। ये गंगा लहरी है, इसके अंदर गंगा माता की स्तुति है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से रचित है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, परंतु मैंने पहली बार मंगाई है तो ज़रूर पढ़ूंगा और आप सबसे ज़रूर शेयर करूंगा कि इसके अंदर क्या लिखा है। तो इसके अंदर लिखा है कि इसके एंड में कि माता गंगा के बारे में, कि जो जगन्नाथ के द्वारा निर्मित इस पीयूष लहरी ही का पाठ करता है वह सर्वत्र सुख और संपदा को प्राप्त कर लेता है, इसका पाठ करने पर, गंगा लहरी का। तो ये मुझे कॉस्ट में पड़ी 4 रुपये की, सुंदर है बहुत, मुझे तो अच्छी लगी, देखने में भी लग रही है। देन मैं आपको बताऊंगा क्या सीन है इसके अंदर, क्या चीज़ है इसकी। और ये एक मैंने मंगवाया है सहस्त्र नाम स्तोत्र संग्रह, इसके अंदर 22 सहस्त्र नाम है। तो इसके अंदर बेसिकली है, मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ है। ये मुझे पड़ी 130 रुपये की। तो इसकी प्रयोग विधि, ये रहा इसका इंडेक्स। तो बेसिकली जो गीता प्रेस है वो ज़्यादातर कृष्ण और देवियों के ऊपर कमी बनाता है, तो ये ज़्यादातर कृष्ण से जुड़ी या फिर देवी राधा से जुड़ी देवियों पर ही चीज़ें बनाता है। तो मेरे को ये अच्छा लगा तो मैंने इसे बाय कर लिया। तो अब देखते हैं, पढ़ के देखूंगा कैसा है। तो इसमें दो तरीके से स्तोत्र दे रखे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यमुना जी का सहस्त्र नाम स्तोत्र है। तो ये देखिए, इसके अंदर पहले श्लोक में है, फिर ये ऐसे एक एक नाम अलग से, कि जैसे आप एक एक पुष्प चढ़ाकर, थोड़े थोड़े चावल चढ़ाकर अलग अलग तरीके से करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1000 नामों से देवी का या फिर देव उस जिस देवता आपका इष्ट है उनका पूजन। तो इसके अंदर कुछ फोटोज़ भी हैं, मैं फोटोज़ दिखाता हूँ, जो सिद्धि बुद्धि सहित गणेश जी हैं, ये लक्ष्मी नारायण है, सहस्त्र नाग, सहस्त्र शीर्ष वाले संकर्षण यानी शेषनाग जी के ऊपर, ये भगवान सदाशिव है, ये जगत जननी माता नवदुर्गाएँ हैं, और ये भगवान सूर्य नारायण हैं, ये सीताराम जी हैं, और गायों और गोपों से सेवित गोपाल जी बैठे हुए हैं, और अंत में किसी फोटो हैं श्री राधा वल्लभ प्रेमास्पद भगवान श्री राधा कृष्ण जी की। तो ये बुक्स कुछ आई हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को आप लाइक शेयर करिए, क्योंकि गीता प्रेस इतनी सस्ती बुक, आप खुद सोचिए कि ये इतनी मोटी बुक आपको 130 रुपये में मिल सकती है कहीं, इतनी अच्छी क्वालिटी वाइज, लाइक कपड़ा तक आप देख सकते हैं, इसकी जो जिल्द है वो भी कपड़े की है, और ये 2-2 रुपये में हनुमान चालीसा, 2 रुपये में तो यार आजकल टॉफ़ी भी नहीं आती है, तो ये 2-2 रुपये में हनुमान चालीसा आ रही है। तो मैंने तो 25 ले लिया, अभी मैं करीबन 108 करीब मंगाऊंगा, देन एक साथ ही इन सबका दान करूंगा। तो ये और सुंदरकांड की बुक्स का एक साथ ही दान होगा, अपने देखूंगा कितने सुंदरकांड की हैं मैंने, और एक सुंदरकांड पे 5 हनुमान चालीसा गिनकर देखूंगा, फिर देन उनका दान करा करूंगा। तो आप सब भी ले लीजिए, क्या बुराई है, कोई जब ग्रंथ पढ़ता है तो आपको भी उसका उतना ही पुण्य मिलता है जितना उसको मिलता है। तो भगवान की भक्ति है ये, तो जितना बांटोगे उतनी बढ़ेगी, एक खजाना ऐसा है कि जितना जिसको दोगे वो उतना ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और लोगों से साझा करेंगे, क्योंकि वो भी इस प्रकार का ज्ञान और इस प्रकार की चीज़ें पहली बार देखेंगे और जानेंगे। जय माता दी, आदेश जय श्री महाकाल। देवीं जलज्जिह्वां ते गङ्गां परां देवं सञ्चिन्तये सदा।